कहाँ लेके गए पता चला। सिविल लाइन में गाड़ी का हम लोग कांच लगा रहे थे, गाड़ी कांच लगवाने जैसे कि हम लोग कांच खरीद के जो साइड कांच होता है वो लेके निकले, जैसे कि हम मिस्त्री का लेबर लेके चलो लगाओ भाई। लगाने के बाद बाइक से आए और पीट पीट हम लोग को लगा कोई ऐसी आवाज़ कर रहा है, तो आगे के मिस्त्री पीछे पीछे भैया उनके हम उनके पीछे पीछे जा रहे थे, तब तक पीट पीट लगा वो लोग निकल भी गए, रुके नहीं निकल भी गए। बाइक से रहे ऊँची बाइक रही, पीछे वाला बहुत ऊँचा बैठा रहा, तो पीट पीट आवाज़ निकले तो ये सोचा कहूँ ना जैसे हवाई फायर कर चला गए। अब बाद में भैया कहें अरे हमें लग गए, बाद में दो सेकंड एक सेकंड बाद लगे अरे लग गए, तो धीरे धीरे कुछ देर पकड़े तो देखे के बाद जब देखें लगा फोन देखें तो धीरे धीरे करके अपना गिर गए। तो वहाँ हम हल्ला मचाने लगे सबको, भाई पुलिस बुलाया कुछ बुलाया, अब हमारे पैर हाथ सब कांपने लग ऊपर लग, तो कोई मदद करने में खाली वहाँ जो आदमी रुक रुक के हमका हाथ जोड़े बोले बाइक आगे खड़ा हो कि भाई रुक के बैठाए दो गाड़ी में कम से कम, ना तो हॉस्पिटल में जाए। तो रास्ते में कहीं हम पुलिस वाले से पूछे क्या भैया आओ बैठ जाओ हमको रास्ता दे, ये चीज़ हम नहीं बता सकते क्या शेरडी गाँव के। देखिए अभी एक व्यक्ति है उसको सिविल लाइन क्षेत्र में अज्ञात दो बदमाशों के द्वारा गोली मारी गई है, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और फर्स्ट एड उसको दिलाने के लिए अस्पताल लेके आई है, और प्राइम ऑफिसर अभी ये पता लगा है व्यक्ति का नाम विद्यासागर यादव है और वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता था, तो अभी उसके परिवार वालों से सभी से हम लोग बात कर रहे हैं क्या विवाद है वो जल्दी पता करके घटना का अनावरण करेंगे। क्या कोई पुरानी रंजिश अभी तक तो देखिए परिवार वालों के द्वारा कोई रंजिश बताई नहीं गई है, लेकिन अगर निकल के आती है तो बताया जाए।